दोस्तों, जिस प्लान की मैं बात कर रहा था, ये पूरा प्लान होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत प्लान बनाकर मैंने रेडी किया है। अरे दोस्तों, ये कॉर्नर का प्लॉट है तो उसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसी की पूरी डिटेल के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। हमारे एक सब्सक्राइबर थी और उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया है। बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन प्लान होने वाला है, आप देखिएगा। तो जिस मॉडल में बात कर रहा था, यही पूरा प्लान है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रंट एलिवेशन की, तो आप देखिए बहुत ही गजब का फ्रंट एलिवेशन। अगर हम बात करें इसके पोर्च की, तो एक साइड यहाँ पर दोस्तों पोर्च बना हुआ है और इसके बाद पूरा मकान डिजाइन है। इसका ग्राउंड फ्लोर भी मैंने बनाने की कोशिश की है पूरा। अगर हम इस साइड की बात करें तो इधर पूरा मकान दोस्तों क्लोज्ड है, बैक साइड भी क्लोज्ड है। मतलब कि कॉर्नर का प्लॉट है, दो साइड, एक फ्रंट से रोड है और एक इस साइड रोड है। तो यही पूरा मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो अगर हम बात करें इसके फ्रंट एलिवेशन की, तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन मैंने डिजाइन किया है। यहाँ पर दोस्तों एक डोर और विंडो है और इधर एक मेन डोर जो कि डबल डोर मैंने दिया है। और वहीं बात करें पोर्च का डिजाइन, देखिए कितना खूबसूरत उसमें डोर और विंडो दी हुई है। और ये पूरा पोर्च का डिजाइन आप देखिएगा, जिसमें ये आपका खपरेल का डिजाइन जो कि ग्रामीण क्षेत्र में पहले दोस्तों लगा करता था, बट अब ज़्यादातर लोग खूबसूरती की वजह से इसे लगवाते हैं और बहुत ही अच्छा भी लगता है ये लोग। और साइड की बात करें तो साइड में दोस्तों देख सकते हैं ये लगभग छज्जा निकला हुआ है 2.5 से 3 फीट का, और उसी के नीचे यहाँ पर जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती थी विंडो को, वो मैंने दी है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह होता रहे। तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको, मुझे पता है आपके मन को भा गया होगा ये प्लान। अगर ऐसा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल हेल्प स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो बात करते हैं इसके सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन की, तो मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए, सारी चीज़ें देख सकता हूँ। कितना खूबसूरत और बेहतरीन डिजाइन बनाने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पर ग्रिल का डिजाइन देखिएगा आप, कितना बेहतरीन है पोर्च के ग्रिल का। तो ये पूरा मॉडल देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत मॉडल। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको तीन डोर देख रहे होंगे, सब कुछ अभी मैं डिफाइन करूँगा। तो तीन डोर है तो इसका मतलब तीन जगह से एंट्री है, क्योंकि फ्रंट यही है। दोस्तों मेन डोर ये जो डबल डोर लगा ना, ये मेन डोर है जहाँ से आप घर के एक अंदर एंट्री कर पाएंगे। दोस्तों ये एक गेस्ट रूम है और इस गेस्ट रूम में मैंने दोस्तों एक यहाँ पर देख सकते हैं डोर और विंडो दिया है। आप अगर अपने गेस्ट को अंदर नहीं ले जाना चाहते तो यहीं से एंट्री करा सकते हैं। ये आपका गेस्ट रूम यहाँ पर है और इस गेस्ट रूम में मैंने एक डोर अंदर से भी दिया है, अगर आप अंदर से भी इधर से एंट्री करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसके बाद ये दोस्तों मेन डोर है जहाँ से आप कोई भी व्यक्ति एंट्री करेगा और यहाँ से इधर पहुँचेगा। इसके बाद दोस्तों पोर्च ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है ये पोर्च, और यहाँ से भी एंट्री है। तो यहाँ से ये डोर है, इसके दोनों साइड विंडो भी दिया, वेंटिलेशन भी इधर चढ़ेगा पोर्च में और इधर एंट्री करेगा, देख सकते हैं पोर्च। तो डायरेक्ट ये एक गेस्ट रूम टाइप के एरिया में पहुँचेगा, ये भी आप इसे गेस्ट रूम मान सकते हैं छोटा सा। तो यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ से भी देखिए फिर डोर दिया तो अंदर जा सकता है। हालांकि मेन डोर ये है, मेन डोर से अंदर जाएगा और दोस्तों इधर ही स्टेयर्स हैं, इधर से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर वापस जाएंगे। तो मेन डोर लगाते समय ध्यान रखिएगा स्टेयर की हाइट 7 फिट होनी चाहिए। और इसके बाद जैसे अंदर जाते हैं तो सबसे पहले ये आपको एक देख सकते हैं डाइनिंग एरिया मिल जाता है, यहाँ पर खाने वगैरह व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और बेडरूम देखने को मिलता है, ये दोस्तों किचन एरिया मिलता है, और यहाँ पर आप पूजा घर दोस्तों मैंने बना रखा है, आप पूजा घर बनाइएगा। और ये आपका लेट एंड बाथ है। तो अभी देखिए सब कुछ और एक बार डिफाइन करता हूँ। तो फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट तो आपको समझ में आ गया होगा, मेन डोर आपका ये है गेस्ट रूम में एंट्री के लिए, इधर भी एक बेडरूम है तो इसको आप गेस्ट रूम में जा ट्रीट कर सकते हैं इसमें एंट्री करने के लिए। और यहाँ पर साइड में देखिएगा दोस्तों इसे वाले बेडरूम के लिए मैंने एक अलग से विंडो दिया है, पूजा घर के लिए अलग से विंडो दिया है, किचन के लिए अलग से विंडो दिया है, और ये वाला जो स्पेस आपको बचता है यहाँ पर भी विंडो दिया है, या यहाँ पर आप अपना डोर भी लगा सकते हैं। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर जो थे उनको डोर की आवश्यकता नहीं थी। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। तो ये लेट बाथ के लिए दोस्तों मैंने एरिया छोड़ा है, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं यहाँ पर वेंटिलेटर लगाया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 बेडरूम हैं आपके, 2 आगे हैं और ये 2 बेडरूम हैं। आप इसे भी एज़ बेडरूम ट्रीट कर सकते हैं, अगर आप इसमें डोर लगा दें तो ये भी बेडरूम बन जाएगा, है ना। ये किचन, ये लेट बाथ और ये पूजा घर, और फ्रंट से देख सकते हैं बेहतरीन सा लुक आपको देखने को मिलेगा।
एक बार फिर से आपको मैक्सिमम जूम करता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये दोस्तों बीम का डिज़ाइन है, आप इसे इग्नोर करिएगा, ये फर्स्ट फ्लोर के लिए था। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा मॉडल आप लोगों के लिए मैंने बनाने की कोशिश की है। आप लोगों को मैं लगातार दोस्तों बेहतरीन बेहतरीन मॉडल देता रहता हूँ, तो आप वीडियो को हमारे जरूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों लास्ट फ्लोर की, तो आप देख सकते हैं लास्ट फ्लोर पर जैसे आएंगे 3.5 फीट का वन रिवॉल्व, फ्रंट में ऐसी ग्रिल और पोर्च के लिए आपको ऐसी ग्रिल देखने को मिलेगी और ये खफराल का डिज़ाइन, और इधर भी आपको देख सकते हैं ऐसी ग्रिल मिलेगी। और ये दोस्तों स्टेयर्स को ढकने के लिए घुमटी, इधर से डोर है, आप पूरी छत पर एक्सेस कर पाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी हाउस आपके लिए मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।